हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आमिर खान है यार, इन फ्रंट ऑफ यू। आज क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, और एक्चुअली ये न्यूमेरिकल है, मोलारिटी पर। और देखिए, क्वेश्चन बहुत मतलब आपको इंटरेस्टिंग है इसमें। देखिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है और निकालना क्या है। व्हाट इज द मास ऑफ NaOH इफ इट्स सॉल्यूशन हैविंग मोलारिटी 2.5 मोल पर लीटर। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है वो 2.5 मोल पर लीटर है, एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 5000 मिलीलीटर। तो जैसे मान के चलिए ये बीकर हुआ, ठीक है, सपोज दैट, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है, 2.5 मोल पर लीटर इस सॉल्यूशन का मोलारिटी है, ओके। और जहां तक बात है सॉल्यूशन के वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम कितना है, 5000 ml। आपको क्या निकालना है, इसमें जो NaOH प्रेजेंट है उस NaOH का मास, मतलब गिवन मास निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले हम मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब यहां पर ना मैं मोल्स निकाल लेता हूं, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब जहां तक बात है मोलारिटी का, तो मोलारिटी कितना है, 2.5, और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो तो मुझे नहीं पता, सॉल्यूट कौन है, NaOH यहां पर, तो N ही लेते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना, 5000 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे, तो 5000 / 1000 कितना होगा, 5 होगा, तो क्या होगा आपको, 5 लीटर। मतलब ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। अब मुझे मोल्स निकालना है, तो मोल्स बराबर क्या हो जाएगा आपको, 2.5 × 5, ठीक है, तो 25 × 5 कितना होता है, 125, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा आपको, 12.5। तो मोल्स कितना आया, मुझे मोल्स आया NaOH का 12.5। अब बहुत आसान है, हम लोग ना मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम लोग मोल्स के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। और यहाँ पर तो मोल्स निकल गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास पता है, गिवन मास निकालना है ना, तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास नहीं पता है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए NaOH है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा, तो सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, हाइड्रोजन का मास कितना, 1, तो 23 + 16 + 1 सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 40। और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा, 40 g/mol। अब यहाँ पर मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास निकालना है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैं इसे ना यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ। तो गिवन मास के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास होगा ना, मुझे तो अब मास निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ NaOH, तो मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, तो चलिए मास निकालते हैं, तो मोल्स कितना आया है, मोल्स के, तो अब गिवन मास का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास, तो मोल्स कितना आया, मोल्स आया हमको 12.5, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है, 40 g/mol। अब क्या होगा, इस पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा क्योंकि नीचे में 10 आएगा, तो अब क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 कैरी 2, 4 × 2 = 8, 8 + 2 = 10 कैरी 1, 4 × 1 = 4, 8, 5 कितना आया, 500, वो भी किसमें, ग्राम में। इसका मतलब यहाँ पर जो NaOH का जो मास होगा वो कितना होगा, वो 500 g होगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।